हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? और आज है थर्सडे और आज सुबह सुबह यशु उठ गया है और मैंने लंच भी बना दिया। हस्बैंड लेके चले गए हैं लंच। और आज गणेश विसर्जन है और गणेश विसर्जन में यहाँ पे मैंने सुना है महाराष्ट्र में बहुत अच्छे से होता है। ऐसे तो पुणे मुंबई फर्स्ट रहता है और पुणे सेकंड रहता है, यहाँ पे नासिक में कैसे होता है वो हम आज देखेंगे। और मैं आज आपको, सॉरी, मैं आज गला बैठ गया है एक्चुअली मेरा। और यहाँ पे ना बहुत सारे मेरे पास प्लांट्स भी हैं जो कि यहाँ पे उड़ीसा भाभी है थी ना, उन्होंने मुझे दिया था प्लांट्स। वो भी मैं आपको आज शेयर करूँगी क्या क्या है मेरे पास, और ये सब मैं दिखाऊँगी। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं ब्लॉग और देखेंगे। यस जैसे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल? यशु अभी उठ गया है, यशु अभी स्टीम लेगा। ओके यशु, आपको ना स्नीज आ रही है ना बाबा, आपको कोल्ड है। सुनो सुनो, आप ना स्टीम ले लोगे ओनली 10 टाइम्स, 10 10। सुनो सुनो, लिसन 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 लिसन, डोंट क्राई। ओके, आप गुड बॉय हो। आप यहाँ पे मैंने रखा है उसके लिए स्टीम। यशु आप सुनो, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, नो नो क्राइंग नो नो क्राइंग। यशु मेरा गुड बॉय है, ठीक है? यशु सबको दिखाएगा आज। यशु आप, नो नो यू डोंट। यशु ओनली 10 टाइम्स, आप ज्यादा रोओगे ना तो आपको फिर नोजी बंद हो जाएगा। ठीक है, मैं यशु को अभी ना स्टीम दे दूंगी, आपको मैं दिखाऊंगी। तो नोजी बहुत बंद है, स्टीम दे के फिर नाजल ड्रॉप डाल दूंगी। ओके ओके, इट्स ओके, हम बाद में ब्रश करने के बाद करेंगे, ठीक है? ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसे ले रहा है। ठीक है, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं इधर से। ये सब प्लांट्स मुझे भाभी दे के गए हैं, फ्लावर, ये जेड प्लांट और ये जीनिया। और ये जो प्लांट है ना, ये वाला प्लांट में पाइल्स जब होता है ना, आपको ये प्लांट, भाभी बोली थी कि ये उनके लिए, उनको पाइल्स थी तो ये खाते थे, वो बहुत अच्छा काम करता था। पाइल्स जब हो आपको होगा तो ये आप एक दो पत्ते पीस के पी लोगे तो बहुत अच्छा रहता है, पाइल्स कम हो जाता है। और ये तो मेरे पास था, ये हल्दी का प्लांट है, बहुत बढ़ गया है। और इसका मैं यूज़ भी करूँगी, आपके साथ शेयर करूँगी कैसे यूज़ करूँगी। और यहाँ पे करी पत्ता, ये तो मेरे पास है, ये सब मेरे पास था। और यहाँ पे यशु, और यहाँ पे ये वाला भी भाभी ने दिया है, मैरीगोल्ड का गेंदे। और ये भी भाभी ने दिया है, और ये भी भाभी ने ही दे के गए हैं। ये सब और भी है बाहर, और ये भी भाभी दे के गए। और ये जो पौधे उनके पास था तो उन्होंने मुझे दे दिया। और ये छोटा वाला, ये मेरे पास गमला था तो मैंने लगा दिया है उसमें। और ये वाला भी, ये वाला प्लांट, और ये तो सबके घर में होता है। और ये वाला एक प्लांट, बस इतना ही। और मैंने डेकोरेट ऐसे किया है घर को, मेन डोर को। रोज़ मतलब हर थर्सडे आम के पत्ते मुझे मेरी मेड ला के देती है और मैं लगा देती हूँ। ये मेरा स्पाइडर प्लांट है, बढ़ गया है बहुत। हाँ, वन हाँ टू थ्री, वेरी गुड, फोर। एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, वेरी गुड, यू आर गुड बॉय। डू क्लैप फॉर योर सेल्फ, डू क्लैप, वेरी गुड। यशु यू डिड इट, हाउ मच यू स्ट्रॉन्गर। Yeshu, how much you stronger? How strong Yeshu is?
हाउ स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज यू आर स्ट्रॉन्गर लाइक सुपर हीरोज यू आर स्ट्रॉन्गर लाइक सुपर हीरोज ओके थोड़े टाइम के बाद फिर से ले लेंगे ठीक है स्टीम स्टीम ले लेने से ना नोजी बंद नहीं होगा अभी ओके बोले ओके मम्मा ओके मम्मा ये हम जहाँ पे रहते हैं जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे गणपति हुआ था तो आज विसर्जन है तो हम यशु और मैं आ गए थे उधर और यहाँ पे ना यीशु जो गाड़ी में गणपति को ले रहे थे तो यीशु को मैंने पहले नहीं बिठाया था बहुत रोता था वो बैठने के लिए बहुत रो रहा था तो एक भैया थे उधर जो कि बोले कि नहीं वो रो रहा है तो आप मुझे दे दीजिए मैं उसको बिठा दूँगा उन्होंने लेके यीशु को बिठा दिया वो गाड़ी में और यीशु बहुत इंजॉय कर रहा था अपने आप वो गणपति का जो बच्चे बोल रहे थे उसमें वो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट के साथ बोल रहा था ट्राई कर रहा था बोलने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे और ऐसे करने से उसका भी थोड़ा वो सोशल भी होता है क्योंकि इधर हम फ्लैट में रहते हैं तो ज़्यादा बाहर भी हम नहीं जा सकते किसी के साथ पड़ोसी वगैरह नहीं मिलते हैं इतना तो वहाँ पे बाहर में जाने से उसको थोड़ा फ्रेंड्स वगैरह मिल जाते हैं उसको अच्छा भी लगता है और यहाँ पे गणपति के साइड में प्ले एरिया था तो वहाँ पे यशु को थोड़ा उसको मन था खेलने के लिए तो मैं यहाँ पे उसको खेलने दिया था और उसके बाद गणपति पूरा सोसाइटी में घूम के चले गए थे मतलब उनको ले कर चले गए थे गणपति को और रात में हस्बैंड भी आ गए शाम को तो हम तुरंत निकल गए थे बाहर थोड़ा घूमने के लिए क्योंकि कैसे सेलिब्रेट होता है हम थोड़ा देखेंगे और ये हम पहुंच गए उधर पूरा बीजेपी सरकार ने बनाया है था इसको महामृत्युंजय मंदिर और इसमें बहुत बड़ा शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा मतलब मैं दिखा रही हूँ आपको बहुत ऊंचा था शिवलिंग आप देखिए और स्टार्टिंग में बहुत बड़ा महादेव का मूर्ति भी था और ये यहाँ पे बड़ा त्रिशूल पूरा बीजेपी दल ने पूरा बना के रखा है मस्त था ये बहुत अच्छा लगा और आप अंदर जाओगे तो वो जो लिंग बना हुआ ना पूरा ब्लैक कलर का महादेव का लिंग उनके उसके अंदर हम गए थे और उसके अंदर आप मतलब विश्वास ही नहीं करोगे इतना सुंदर डेकोरेशन हुआ था और बीच में त्र्यंबकेश्वर का जो है ज्योतिर्लिंग वो था और बीच में गणेश जी का था एक्चुअली ये गणपति के लिए ही बनाया गया है और जो साइड में मैं आपको दिखाया ना वो एक्चुअली 12 ज्योतिर्लिंग जो है ना उसके लिए बनाया गया है और ये है सोमनाथ पूरा मतलब वो 12 ज्योतिर्लिंग आपको जाके दर्शन करना है तो इधर ही कर लो मैं जब अंदर गई पहले मैं दर्शन अच्छे से कर ली दूसरी बार मैं गई आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए इतना सुंदर बना था और बहुत मुझे तो बहुत डिवाइन फील हुई उधर कल हम जब गए थे ना उधर इतना भीड़ नहीं था ये महाकालेश्वर बहुत सुंदर था और
सब लोग मतलब लाइन बाय लाइन, और वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाना सब अलाउ था, तो मैंने अच्छे से वीडियो भी निकाल दिया आप लोगों को दिखाने के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से डेकोरेशन भी किए थे। यीशु को तो बहुत अच्छा लगा, यीशु भी जय जय कर रहा था, लेकिन मैं वो वीडियो नहीं ले पाई, मतलब क्लिप नहीं ले पाई, क्योंकि मैं ये शूट कर रही थी। और आपको क्या पूरा चलना होता है, मतलब रुकना नहीं होता है कहीं पे भी। तो ये बहुत अच्छा सुंदर गणपति जी का मूर्ति था, बहुत सुंदर अट्रैक्टिव। बहुत दुख हुआ एक्चुअली, सबका विसर्जन करने लगे, बहुत बच्चे इधर रोते भी हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में बच्चे बहुत मानते हैं गणपति जी को, और बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन भी करते हैं। येलो एंड रेड वाइट कलर की कुर्ती पहन लेते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, वही वाइट येलो एंड ऑरेंज या कोई भी रेड कलर का पहन के बहुत डांस करते हैं। बहुत अच्छा लगता था कल हमको, लेकिन मैं ज़्यादा ना क्लिप्स नहीं ले पाई, क्योंकि बहुत शोर था और म्यूज़िक भी था, तो ज़्यादा म्यूज़िक मैं भी नहीं रख सकती, बहुत शोर वाला वीडियो में कॉपीराइट भी लगता है। ये है त्र्यंबकेश्वर, आपको बोलते बोलते आप सब मतलब ज्योतिर्लिंग मैंने दिखा दिया है आपको। और ये है केदारनाथ, मतलब आपको पता भी नहीं चलेगा इतना सुंदर बनाया था उन्होंने, बहुत क्रिएटिविटी और बहुत अच्छे तरीके से बनाया था उन्होंने। और ये है भीमकण घुसमेश्वर, यस घुसमेश्वर मैं कभी नहीं गई हूँ, घुसमेश्वर इधर है महाराष्ट्र में। और ये हम बाहर आ गए थे, और आने के बाद वहाँ पे एक वाटर फाउंटेन था, तो यीशु बहुत एंजॉय कर रहा था उधर, उसको बहुत मज़ा आ रहा था, और उसको हस्बैंड ने हाथी के ऊपर बिठा दिया था, वो डरने लगा। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितना बड़ा लिंग है, और ये पूरा अखंड भारत मोदी जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बनाया गया है पूरा महामृत्युंजय मंदिर, जो कि बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लगा। पूरा बीजेपी सरकार ने बनाया है, बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग भी हो रहे थे, बहुत बड़ा एरिया था तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन बहुत लोग थे। और हम उसके बाद आ गए थे गार्डन पाव भाजी, जो कि फेमस और बहुत अच्छा पाव भाजी वहाँ पे बनता है, और मेरे लिए पाव भाजी और हस्बैंड उनके लिए लिए थे पुलाव, तो बहुत अच्छे से हमने एंजॉय किया, बहुत टेस्टी था पाव भाजी। उसके बाद ना हस्बैंड का पेट नहीं भरा, क्योंकि यीशु भी खा रहा था और उनको और भी कुछ खाना था, मतलब टेस्ट करना था, तो उन्होंने बोले कि चलो और भी कुछ खाएंगे। तो उसके बाद हम चले गए किंग मोमोज, जो कि नासिक में ही सब है, मतलब हमारे घर के पास ही सब है, तो उधर चले गए थे। उधर तंदूरी मोमोज सब वेज था, पनीर तंदूरी मोमोज एंड वेजिटेबल मोमोज स्टीम वाला, तो वो भी हम खा लेते थे। फिर उसके बाद हम एक मेला उसके पास ही जस्ट था, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे तो लेट हो गया था, तो हम चले गए थे उधर थोड़ा यीशु को खिलाने के लिए। यीशु को बहुत राइड पसंद है, वहाँ पे इतना भी अच्छा राइड नहीं था, लेकिन यीशु को बैठना था। उसका सबसे मतलब डांसिंग वो जो साइड में दिख रहा है ना, वो उसका मन था करने के लिए, लेकिन उसमें छोटे को नहीं बिठा सकते ना, तो हम ऐसे ही एंजॉय करके आ गए थे। ठीक है, तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, और न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे और एक ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।